हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ए विलेज ट्रेडर पे। चलिए दोस्तों, आज तारीख है, कितना तारीख देखिए, फ्राइडे 17 फरवरी 2023। ठीक है, फ्राइडे 17 फरवरी 2023 है। तो यहाँ पे मैंने लगाया है निफ्टी, फिन निफ्टी का चार्ट और टाइम फ्रेम 5 मिनट्स है। और यहाँ पे ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा जो ब्लू लाइन है, ये मेरा मैजिक लाइन है, और ये जो रेड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी मेरा मैजिक लाइन है। तो चलिए देख लेते हैं आज फिर निफ्टी पे मेरा सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटजी ने कैसा वर्क किया है। तो ये एरो मार्क जो दिख रहा है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9:25 को यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद फिर से सेल का सिग्नल जनरेट किया 10:05 पे, फिर बाय का सिग्नल जनरेट किया 10:15 पे, उसके बाद फिर से सेल का सिग्नल जनरेट किया 10:50 पे। और ये जो मैजिक लाइन है, यहाँ पे जो मैंने राउंड मार्क किया है, ये सेल सिग्नल दिया है मैजिक लाइन के हिसाब से। और पहला टारगेट ये लाइन था, और सेकेंड टारगेट अगर इसका नीचे अगर आ जाता तो सेकंड टारगेट ये रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो ये आ नहीं पाया, फिर भी हम लोग को मैजिक लाइन ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट किया है सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटेजी ने 1:40 पे, उसके बाद फिर से सेल का सिग्नल जनरेट किया 2:35 पे, उसके बाद फिर से यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट किया 2:50 पे, और मार्केट जाके यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक है। देखिए ये फिर निफ्टी का चार्ट है, चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे आज कैसा परफॉर्मेंस किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और टाइम फ्रेम 5 मिनट्स है। और मैं आप लोग को मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये जो ब्लू लाइन है और रेड लाइन है, ये मेरा मैजिक लाइन है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैजिक लाइन यहाँ पे एरो मार्क जो दिया, यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट किया था 9:50 पे, उसके बाद सेल का सिग्नल जनरेट किया था 9:45 पे, फिर से सेल का सिग्नल जनरेट किया था 10:05 पे, और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सेल सिग्नल ऑफ मैजिक लाइन, ये जो मैजिक लाइन का है, इसने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया। देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंडिंग मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का पहला टारगेट ये लाइन था, उसके बाद सेकेंड टारगेट ये था, और थर्ड टारगेट ये लाइन था, ठीक है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे सेकेंड टारगेट ही अचीव हो गया था अकॉर्डिंग टू माई मैजिक लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। और SL आप लोग का इस कैंडल के हाई के ऊपर था, और वहाँ से आप लोग को पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे हम लोग को सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे 1:45 पे यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद फिर से सेल का सिग्नल जनरेट किया 2:35 पे, और उसके बाद फिर से हम लोग को यहाँ पे 2:50 बाय का सिग्नल जनरेट किया, और उसके साथ मार्केट जाके यहीं पे क्लोज दे दिया है। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी पे आज कैसे ये परफॉर्मेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स ही मैं यूज करता हूँ, और ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी है, खुद का स्ट्रेटेजी है, आप लोग को यूट्यूब पे देखने के लिए कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मेरे से बार बार मैसेज आता था व्हाट्सएप पे कि सर आप एक ही स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, दूसरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि, ऐसा बोल के मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आया था। तो मैं उन लोग को मैं बताने वाला हूँ कि देखिए जो स्ट्रेटेजी आप लोग को डेली पैसा कमा के दे रहा है, ठीक है, लाइफ में एक या दो स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेटेजी सीखोगे तो फिर जिंदगी में कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है, ठीक है। आप लोगों के पास जितना स्ट्रेटेजी कम रहेगा, एक दो स्ट्रेटेजी रहना चाहिए जो कि आप लोग को उसमें आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे, और उसके हिसाब से आप लोगों का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आप लोग उसको पकड़ सकते हैं इजीली। अगर आप लोग अगर 1000 टाइप का स्ट्रेटेजी सीखेंगे तो जिंदगी में, मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है, आप लोग जिंदगी में कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हो एक दो स्ट्रेटेजी सीखो, और मेरा तो देख सकते हो आप लोग के सामने ही है मेरा सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटेजी, और मेरा ये मैजिक लाइन है, मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रेटेजी है, और ये जबरदस्त वार कर रहा है। तो मैं क्यों और दूसरा स्ट्रेटेजी मैं पकड़ूंगा, बोलिए ना, मैं इसमें तो मैं हासिल कर चुका हूँ ना, महारत हासिल कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए बाय का सिग्नल यहाँ 9:20 पे दिया था सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटेजी, और इसका भी मैंने जो मेरा फ्री टेलीग्राम का ग्रुप है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जुड़ना चाहते हो फ्री पे, तो डिस्क्रिप्शन पे है उसका लिंक है, आप लोग जाके एक बार वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे फिर से सेल का सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद फिर से बाय का सिग्नल जनरेट किया 10:15 पे, ये था निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। उसके देखिए यहाँ पे देखिए मैजिक लाइन ने यहाँ पे अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया, ठीक है यहाँ पे। और आप लोग का क्या रहना था, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप लोग का SL था, और उसके देखिए पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, फिर भी हम लोग को यहाँ पे अगर हम मैजिक लाइन के हिसाब से भी देखते तो हम लोग को बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये मैजिक लाइन का कमाल है, यहाँ पे आज मैं आप लोग को मैं
दोनों स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैजिक लाइन का भी और सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटजी का भी। सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटजी में आप लोग स्केल्पिंग जैसा यूज कर सकते हो, और मैजिक लाइन में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसमें आप लोग को एसएल हमेशा छोटा रहता है और टारगेट हमेशा 1:3, 1:4, 1:5 ऐसा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सेल का सिग्नल जनरेट किया था, सेल सिग्नल ऑफ मैजिक लाइन। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल दिया था और उसके बाद एसएल आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर था जहाँ पे एरो मार्क दिया हुआ है, उसके बाद पहला टारगेट रहा था, सेकंड टारगेट रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे फिर से बाय का सिग्नल जनरेट कर दिया 1:40 पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए सेल का सिग्नल दिया 2:30 पे। उसके बाद फिर से बाय का सिग्नल जनरेट किया है 2:50 पे और मार्केट जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। फ्रेंड्स, किसी को अगर सच में सीखना चाहते हो स्ट्रेटेजी, मैजिक लाइन और सिग्नेचर स्टेप स्ट्रेटेजी, तो मेरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन ये पेड स्ट्रेटेजी है, कोई फ्री स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर फ्री में जा सकते तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग किसी भी स्ट्रेटेजी को सीख सकते हो। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का बटन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को तो मिले। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।